अच्छा दोस्तों, ये देखें आप, इस तरह का आपके पास जब आप अपनी आईडी ओपन करेंगे तो ये वेरिफिकेशन आ रही होगी, ठीक है? तो आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक टू सेंड वेरिफिकेशन ईमेल पे, ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये पेज अभी ओपन होगा। अच्छा, जब मैंने ये क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है मेल जो मैंने इसमें गिवन की हुई थी, उस मेल पे ये मुझे बी फॉर यू ग्लोबल की तरफ से वेरीफाई ईमेल एड्रेस आया। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? ये ओपन हो गया, आपने देख लिया। ये आपके पास मैसेज आएगा और इस मैसेज के बाद आपने ये जो ब्लू हुई हुई है जगह, ये सारी ब्लू हुई हुई है, आप देख रहे हैं गौर से, ठीक है? इस पे हाथ रखना है, इस पे हाथ रखेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगी, ओपन इन ब्राउज़र या कॉपी यूआरएल। आपने करना है कॉपी यूआरएल, ठीक है? कॉपी यूआरएल करने के बाद आपने इसको बंद करना है। आपने वापस अपनी इसको लॉग को जीमेल को खोलना है, बल्कि आप जीमेल ओपन करेंगे अपना, वापस जाएंगे क्योंकि वो कॉपी हुआ हुआ है। यहाँ पर आप ये देखें, इधर इधर आके इसको रिमूव करना है सारे को, और से देखते जाएं आप। आप ये रिमूव करेंगे सारे को, ये सारा मैंने रिमूव किया, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक किया और वो पेस्ट किया इस तरह पेस्ट करके जब मैं ये नीचे लॉग पे सर्च का बटन दबाऊंगा तो ये ऑटो अभी देखें मेरी आईडी खुल जाएगी, ये ओपन होगी आईडी। ये इसका तरीका है खोलने का। और आप इसको वेरीफाइड, ये अभी ओपन हो रही है पूरी, जब ये ओपन हो जाएगी तो आप इसको, ये आपने करना है सारा प्रोसेस, और इसके बाद फिर आपने इस पर क्लिक कर देना है दोबारा से बी फॉर यू की आईडी पे। देखें ये हो गया अब सारा, इस तरीके से ये आपकी अमाउंट सारी ये खुल गई आईडी, और ये देखें लिखा आ रहा है आपकी ये ईमेल डल चुकी है। इसी तरीके से ये आप वेरीफाइड हो चुके हैं, और इसको दोबारा से आपने फिर लॉग आउट कर देना है, और अब आपकी आईडी दोबारा से ये उसी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी जैसे पहले ये काम कर रही थी, और ये आपका ईमेल वेरीफाइड हो चुका है।